हेलो दोस्तों की हाल चाल कि आप अच्छे हो गए लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों आपको बता दें सी एस बी की साइट पर आज नया अपडेट आ चुका है इंडन एफ तरफ से और हमारी जिम्मेदारी है पल पल की जानकारी जो भी अपडेट आता है इंडन एफ तरफ से आपको बताते हैं तो आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हैं तो नए अपडेट को लेकर पूरी जानकारी देंगे तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना और ये वीडियो उन भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका इंडियन एव फोर्स का एग्जाम है तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा लाइक कर देना शेयर कर देना तो चलते अब हम सी की साइट पर दोस्तों अब हम आ चुके हैं सी की साइट पर और इस साइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जाइए क्लिक करना आपके सामने ये साइट खुलकर आ जाएगा अब बात करते हैं नए अपडेट को लेकर जो अपडेट आया है दोस्तों आज ये तो आपको पता होगा कि आपकी एग्जाम डेट और सिटी आ चुकी है हालांकि हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना आशा करते हैं कि आपने अपनी एग्जाम डेट और सिटी देख लिया है और जिन भाइयों ने अपनी एग्जाम डेट और सिटी नहीं देखा है तो आप नीचे कमेंट कर देना जो हमसे बन सकेगा हम आपके लिए करेंगे नहीं तो आप सभी हमसे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं तो जी स्टडी के नाम टेलीग्राम अकाउंट है जाइए टेलीग्राम पर सर्च कर लेना आपके सामने अकाउंट आ जाएगा तो अब बात करते हैं नए अपडेट को लेकर ये जो आपका अपडेट आया है आपके एग्ज़ाम डेट और सिटी को लेकर आया है और बहुत सी वीडियो बननी है कि इंडियन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड आ चुका है आउट हो चुका है तो हम आपको बता दें नहीं मेरे भाई अभी आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है केवल आपकी एग्जाम डेट और सिटी आई है तो आप उनके चक्कर में मत पड़ो इसलिए ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया है आपका एडमिट कार्ड ध्यान से सुनना मेरे भाइयों आपका एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से आपको तो अपनी एग्जाम डेट पता चल गया होगा कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस इनमें से एक तारीख़ आपके एग्ज़ाम की है तो आपके एग्ज़ाम से चौबीस से अड़तालीस घंटे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा तो अभी इंडियन एवं तरफ तो से जारी नहीं किया गया है डिक्लेयर नहीं किया गया है केवल आपके एग्ज़ाम डेट और सिटी आया है तो वो आपने देख लिया है ये नोटिस का कहना केवल यही है कि आपका एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 24 से अड़तालीस घंटे पहले आ जाएगा बेफिक्र रहो आपके एग्ज़ाम डेट और सिटी आपको दे दिया डिक्लेयर कर दिया इंडियन एयर ने और दूसरी बात इसमें दे रखा है कि दोस्तों हम आपको बता दें कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉलों को सभी को फॉलो करना है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे इन बातों का ध्यान रखना और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट को लेकर कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाने इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे टेंशन मत लो तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आप जाकर चेक कर लेना अपना एग्ज़ाम डेट और सिटी और अभी आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं किया गया है आपके एग्ज़ाम से अड़ताइस घंटे पहले आ जाएगा ठीक है तो आप सभी टेंशन मत लेना क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हैं कि सा वीडियो बनी है कि एडमिट कार्ड आ चुका है लेकिन हमारा एडमिट कार्ड आया नहीं है सो नहीं हो रहा है तो ये वाली बात आप समझ गए होगे तो आप तैयारी करो एग्ज़ाम की कम टाइम बचा है आपके पास कुल मिलाकर नौ या दस दिन है यही मौका कुछ कर दिखाने का अभी नहीं तो कभी नहीं उठो मेरे भाइयों वक्त आ चुका है वर्दी लेने का और आपका एडमिट कार्ड कहाँ पर जारी होने वाला है इसी वीडियो में बता दे रहे हैं ताकि आपको आगे जगह परेशानी ना हो सबसे पहले क्या करना है आपको तीन बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना साइड में और आपसे ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो कैंडिडेट पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लियर देख सकते हैं लॉग इन इंटर फर्स्ट दो हज़ार बाईस वाले बैच पर आपको क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉग इन अकाउंट आ जाएगा इंडियन एयरफोर्स का और आपको बता दें यहाँ पर अपनी मेल आई डालनी है जो आपने फॉर्म भरते समय डाली थी केवल वही डालनी है उसके जरिए आपसे भी अपने एग्जाम डेट और सिटी और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे यदि आप भूल गए हैं तो आप सभी रिकवर कर लेना और यहाँ पर वही मेल आई डालनी है उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है आपको और पासवर्ड कौन सा डालना है जो आपने फ़ॉर्म भरते समय ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा पासवर्ड बनाया होगा वो वाला पासवर्ड डालना है और वो वाला नहीं जो आपकी मेल पर आया होगा इंडियन एफ की तरफ से वो वाला पासवर्ड नहीं डालना है जो आपने बनाया केवल वो वाला पासवर्ड डालना है और यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर रीजनरेट कर सकते हैं नया पासवर्ड बना सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको कैप्चा कोड डालना है कैप्चा कोड डालने के बाद आपको साइनिंग कर देना है तो हम कैप्चा कोड डाल लेते हैं ई e क्यू डब्ल्यू एस वाई दोस्तों कैप्चा डालने के बाद आपको क्या करना है साइनिंग कर देना है साइनिंग करने के बाद आपके सामने आपका अकाउंट आ जाएगा खुलकर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और नीचे जाना उसके बाद नीचे जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों एग्जाम डिटेल यहाँ पर क्लिक कर देना है और सब कुछ आपके सामने शो हो चुका है आपके एग्जाम डेट कहाँ पर आपका एग्ज़ाम गया है और कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और हम आपको पहली बता दे रहे हैं कि भाई आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है इसी वजह से आज इंडियन एयरफोर्स ने नया नोटिस जारी किया है इसी के चक्कर में क्योंकि बहुत सी वीडियो बनी है कि एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं तो अभी आपके एग्जाम डेट और सिटी आया है तो आप चेक करो इन भैया का एग्ज़ाम है बाईस अप्रैल को बाईस अप्रैल को इनका एग्जाम होने वाला और कहाँ पर होने वाला पटना में तो इनका परीक्षा सिटी कहाँ गया दोस्तों पटना और राज्य बिहार ठीक है ये वाली बात समझ गए होगे और एडमिट कार्ड कब का आएगा नोट में दे रखा है कि बीस अप्रैल को इनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा डिक्लेयर और जब भी आएगा हम आपको बताएंगे सबसे पहले बताने वाले हैं तो चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा देना तो आज भैया इंडियन एफ तरफ से ये अपडेट आया था हमने आपको बता दिया है बाकी जो भी आपका सवाल हो कुछ भी आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना नहीं तो आप सभी टेलीग्राम पर हमसे कुछ ही पूछ सकते हैं आप टेलीग्राम पर जाइए जी स्टडी सर्च कर लेना आपके सामने अकाउंट आ जाएगा पल पल की जानकारी हम आपको टेलीग्राम पर देते रहते हैं और कुछ भी आपसे ही पूछ सकते हैं बस आप तैयारी करो कम टाइम बचा आपके पास कुल मिलाकर नौ या दस दिन है तैयारी करने के लिए यही मौका है दोस्तों इस मौके को हाथ से मत जाने देना यदि आपका सपना इंडियन एयरफोर्स में जाना तो ये दोस्तों दस बारह दिन आपका सपना पूरा करा सकते हैं वर्दी दिला सकते हैं तो दिन रात एक कर देनी है आपको हिम्मत नहीं हारनी है उठो मेरे भाई वक्त आ चुका है कुछ कर दिखाने का सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है इस बार कांधों पर हमारी वर्दी होनी चाहिए ना कोई बहाना चलेगा कि पॉइंटों से रह गया एक नंबर से रह गया दो नंबर से रह गया इस बार मिशन 2021 पार ठीक है और बाकी आपके लिए जल्दी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं आज से ही दोस्तों आज से आपके लिए प्रैक्टिस आ जाएंगे नहीं तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं दिन में दो या तीन वीडियो आपके लिए आने वाला है तो चैनल पर ऐसे ही बने रहना यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पर क्यूज़ कराने वाले हैं जी के के तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फिजिक्स के क्यूज़ कराने वाले हैं वहाँ पर भी आपको तो फ़िलहाल इस वीडियो में तो नहीं था जो सी एच बी की साइट पर अपडेट आया था हमने आपको बता दिया हमारी जिम्मेदारी है पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाना जो भी अपडेट आए आपको बताना तो भाई आज जो अपडेट था हमने आपको बता दिया कोविड नाइन्टीन की सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है क्योंकि दिन ब दिन कोविड नाइन्टीन केस बढ़ते जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान देना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेकर जाना जब आप एग्जाम देने जाओगे उसके बिना एंट्री नहीं मिलने वाली है आपको बाकी दोस्तों हम डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में सब कुछ आपको समझा देंगे तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही थे यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप तैयारी करते रहना अपना ख्याल रखो जय हिंद जय भारत